नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के दाघानी मैथन परियोजना में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया। मैथन के केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उप महाप्रबंधक अनूप कुरकायस्थ ने परियोजना प्रधान का एवं उनकी पत्नी का स्वागत सुश्री श्यामली कुमारी ने पुष्प गुच्छ देकर किया। कार्यपालक निदेशक असैनिक एवं परियोजना प्रधान अंजनी कुमार दुबे ने झंडोत्तोलन किया। राष्ट्रगान के वक्त सीआईएसएफ मैथन इकाई द्वारा पानी के फुहारों द्वारा बेहद खूबसूरत तिरंगे का प्रदर्शन किया गया। परियोजना प्रधान द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। अपने भाषण में परियोजना प्रधान ने डीवीसी की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि डीवीसी निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। डीवीसी के उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की योजना है। वर्ष 2030 तक डीवीसी की उत्पादन क्षमता को 15,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए सौर ऊर्जा पंप स्टोरेज पनबिजली इत्यादि की स्थापना पर कार्य हो रहा है एवं कार्य प्रगति पर है। संबोधन के उपरांत परियोजना प्रधान ने डीवीसी के वर्ष का कर्मचारी की घोषणा की एवं उन्हें पुरस्कृत किया। डीवीसी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत से हुआ। कार्यक्रम का संचालन संजय संगम एवं अरविंद सिंह ने किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी, उनके परिजन तथा आसपास के ग्रामीण पूरे उत्साह के साथ मौजूद थे। डीवीसी की ओर से मुख्य अभियंता मधुकांत झा, संजीत सिन्हा, संतोष महापत्र, राम स्नेह शर्मा इत्यादि मौजूद थे। कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत परियोजना प्रधान ने डीवीसी के अस्पताल में जाकर वहां के मरीजों को फल प्रदान किया। धनबाद जिला क्राइम रिपोर्टर माजिद खान की रिपोर्ट।